फिल करने के लिए जो टैंक है वाइजर का, और ये यहाँ से गई है वाटर की होल। ये आप जो देख पा रहे हैं ये वन साइडेड वॉल्व है जिससे पानी सिर्फ इस तरफ जाता है, इस तरफ नहीं आता। उसके बाद ये एक ये यहाँ पर टी जॉइंट लगा हुआ है, और अगर आप इसको खोलते हैं आप ये स्पॉट पे चेक कर सकते हैं, और ये वाले स्पॉट पे पर ध्यान रखिएगा जब खोलना है तो जो पाइप यहाँ पे लगा है वहीं पे लगाइए, क्योंकि दोनों में अलग अलग प्रेशर आता है। और ये यहाँ से बाहर की तरफ गया। तो आप देख रहे हैं ये जो है स्प्रे नोजल्स हैं, मैंने अपनी गाड़ी से निकाल लिए हैं, पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि कैसे साफ करना है। देखिए जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है ये नोजल है जिससे कि फोकस कर पा रहा है। ये देखिए ये नोजल है, और ये यहाँ पर जो है ये इसको घुमाने के लिए एक मैकेनिज्म है। जब आप इसको ऐसे घुमाते हैं देखिए, तो यहाँ पे जो है आपको होज मिल थोड़ा ज़्यादा होल मिलता है, और इस साइड अगर इसको घुमाएंगे तो ये आपको यहाँ पे नोज़ल मिलेगा। तो जब आपको साफ़ करना रहे तो आप इसको यहाँ से घुमा के इसको साफ़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वायर यूज़ किया है, एक्चुअली मैंने इसलिए इसलिए खोल लिया है क्योंकि बाहर पानी गिर रहा था। तो यहाँ से और यहाँ से मैंने इसको पूरा क्लीन करके अभी आप देख पाएंगे इसमें से एयर पास हो रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरीके से आप साफ कर सकते हैं, और ये गाड़ी में लगे लगे ही साफ कर सकते हैं। ये दोनों नोजल्स और नए वाइपर का सेट में लगा चुका हूँ। अभी क्या कल ही पानी गिरा है तो अभी ये सब थोड़ा गंदा सा है, पर इसको साफ करूँगा फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने नोजल इंस्टॉल कर दिए हैं, थोड़ी विंड स्क्रीन गंदी है इसलिए मैंने वाइपर्स भी नए लगे हुए हैं। तो वाइपर जो है मैं अभी ऊपर करके और चलाता हूँ नोजल। आप देख पा रहे हैं पहले से ज़्यादा अच्छा स्प्रे कर रहा है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है।